हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स कि आप अपने सब्सक्राइबर का फुली एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। गाइस, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने सब्सक्राइबर को कैसे पूरा वो देख सकते हैं कि 7 डेज में आपके सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं, या फिर 1 महीने में कितने बढ़े हैं, या फिर 1 साल में आपके सब्सक्राइबर कितने बढ़े हैं या कितने इंक्रीज हुए हैं। तो गाइस, अगर आप चैनल में नए हों तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, आपको अपना YT स्टूडियो खोलना है, YT स्टूडियो एप्लीकेशन खोलना है। गाइस, इसी एप्लीकेशन में आपको बताऊंगा कि आपके फुली एनालिसिस कैसे कर सकते हैं सब्सक्राइबर्स का। तो गाइस, इस पर क्लिक करना है आपको। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइड करना है, आपको सब्सक्राइबर पे क्लिक करना है। जैसे आप सब्सक्राइबर्स पे क्लिक कर लेंगे गाइस, उसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ शो होने वाला है कि आपके लास्ट 28 डेज में कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, पर आपको यहाँ से बताऊँगा कि आपके लास्ट 365 डेज में कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, मेरे प्लस 323 लास्ट के 1 ईयर में 365 डेज में 323 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका कौन से महीने में कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं, या फिर लाइफ टाइम पे क्लिक करेंगे गाइस तो आपके लाइफ टाइम पे 1431 सब्सक्राइबर मेरे लाइफ टाइम में बढ़ चुके हैं। तो गाइस, पे क्लिक करना है आपको फिर से। आप यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट 7 डेज में कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं आपके। तो आप देख सकते हैं मेरे एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़े क्योंकि मैं ये चैनल चलाता नहीं हूँ गाइस। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सब्सक्राइबर का फुली एनालिसिस हो चुका है कैसे देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।